30 मई 1960 का दिन पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी खबर लाया जिससे सब हैरान थे। खबर थी कि एडोल्फ इचमैन को पकड़ लिया गया था। एडोल्फ इचमैन हिटलर का वो खास आदमी था जो यहूदियों से हिटलर जितनी नफरत करता था। उसका काम था यहूदियों की पहचान करना, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके गैस चैम्बर में भर देना और उन्हें जहरीली गैस से वहां पर मार दिया जाता था। उसे युद्ध के बाद पकड़ लिया गया था, लेकिन वो जेल से भाग निकला और 16 सालों तक अर्जेंटीना में छिपा रहा। जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इसके बारे में पता चला तो उसने ऑपरेशन चलाकर उसे पकड़ा और आखिर में 1962 में उसे फांसी हो गई। इचमैन की फांसी उन करोड़ों यहूदियों के साथ न्याय का एक इंच भर था जिन्हें उसने बेरहमी से मार दिया था। लेकिन दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इचमैन अकेला नहीं था, बल्कि हिटलर के कई ऐसे खास लोग थे जो उसके इस गुनाह में उसके साथ थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिटलर की मौत के बाद उसके सबसे करीबी साथियों का क्या हुआ, उनके किए गए अपराधों की उन्हें कौन सी सजा मिली, या फिर कोई ऐसी सरकार भी थी जिसने किसी नाजी हत्यारे को इनाम भी दिया था। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1945 में जब नाजी सेना ने सरेंडर किया तो बड़े बड़े नाजी अफसर भागने लगे थे। उन्हें पता था कि जब जस्टिस होगा तो उनसे बुरा हाल शायद ही किसी का हो। इसीलिए हिटलर के आखिरी दिनों में कुछ ऐसे बड़े बड़े नाजी लीडर्स भी थे जिन्होंने बचने के रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। इन्हीं में से एक था हेनरिक हिमलर। हेनरिक हिमलर नाजियों के सबसे बड़े लीडर्स में से एक था। वो नाजी के वॉफेन एसएस का हेड था जिसका काम यहूदियों पर अत्याचार करना था। युद्ध के आखिरी दिनों में हिमलर को अंदाजा हो गया था हिटलर की हार का, इसलिए उसने मित्र देशों से बातचीत करने की कोशिश की। जब हिटलर को यह पता चला तो उसने उसे निकाल दिया। युद्ध के बाद ब्रिटेन के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब उसे लगा कि उसे दुश्मन बुरी तरह से मारेंगे तो उसने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। लेकिन दोस्तों, हिमलर तो बस शुरुआत था। ऐसे बहुत सारे टारगेट थे जिन्हें पकड़ना था और उन्हें सजा देकर यहूदियों के साथ न्याय करना था। इसी न्याय के लिए 20 नवंबर 1945 के दिन द न्यूरेमबर्ग ट्रायल शुरू किए गए। ये दुनिया के सबसे बड़े पोस्ट वॉर ट्रायल्स में से एक था जिसमें कई लोगों को फांसी दी गई। नवंबर 1945 से अक्टूबर 1946 के बीच नाजियों के 24 सबसे बड़े अधिकारियों और बाकी कई लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें कि हरमन गोरिंग भी शामिल था। दोस्तों, ये वो इंसान था जो गेस्टापो का असली हेड था। दोस्तों, गेस्टापो असल में नाजियों की वो सेना थी जिसका काम था हिटलर के विरोधियों को ठिकाने लगाना और यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में डालना। गोरिंग की तरह 13 और ऐसे लोग थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जिन्हें फांसी दी गई उसमें से एक पत्रकार भी था। जी हाँ, सही सुना आपने, जूलियस स्ट्रीचर नाम का एक पत्रकार हिटलर के फेवर में प्रोपेगेंडा चलाने वाला काम करता था। इन अखबारों में और किताबों में यहूदियों के खिलाफ हिंसा और नफरत भरी बातें होती थी। उसे भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप में फांसी दी गई। बाकी के 11 लोगों को दूसरी सजाएं दी गई। कुछ को बीमार होने की हालत में रिहा भी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अफसरों से अलग सबसे फेमस कार्रवाई हुई डॉक्टर्स के ऊपर। वो डॉक्टर जिनका काम जान बचाना था, वो काम कर रहे थे यहूदियों को यूथनेसिया का इंजेक्शन देने का। ऐसे करीब 200 नाजियों को फांसी दी गई थी। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर तो फिर भी सरकार के कहने पर चल रहे थे। इस ट्रायल में कई ऐसे हाई प्रोफाइल लोग भी थे जिन्हें कुछ नहीं हुआ, और अमेरिका ने कुछ लोगों का इस्तेमाल कर लिया अपने स्वार्थ के लिए। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हो गई थी कोल्ड वॉर। इस दौरान अमेरिका और यूएसएसआर एक दूसरे के सामने थे। दोनों के बीच भयानक कॉम्पिटिशन था। ऐसे में अमेरिका ने यूएसएसआर से निपटने के लिए शुरू किया ऑपरेशन पेपरक्लिप। इस सीक्रेट ऑपरेशन में अमेरिका ने 1600 के करीब टैलेंटेड नाजी साइंटिस्ट भर्ती किए जिन्होंने अमेरिका के लिए काम किया। इन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे वॉन ब्रॉन। इनके ऊपर आरोप लगे थे यहूदियों पर अत्याचार को लेकर, लेकिन अमेरिका ने इसके बाद भी अपने स्वार्थ के लिए उन्हें नासा में अपॉइंट किया। उन्होंने नासा में रहते हुए यूएसए के लिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में खूब हेल्प की।
यही नहीं 1975 में उन्होंने नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी जीता और उन्हें अमेरिका में खूब सम्मान भी मिला। उनकी नाजी होने की पहचान कहीं गुम हो गई। इसके अलावा दोस्तों ऐसे कई नाजी थे जो मौका देखकर स्पेन और इटली जैसे देशों में भाग गए जो कि हिटलर के सपोर्टर देश थे। यहां से ये लोग साउथ अमेरिका में छिप गए जैसे कि ब्राजील अर्जेंटीना जैसे देशों में और फिर छिप कर अपनी जिंदगी बिताने लगे। इन्हीं नाजी क्रिमिनल्स में से एक था एडोल्फ हिचमैन जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। लेकिन दोस्तों इन छिपे हुए अपराधियों का भी आगे चलकर बुरा हाल हुआ। हिचमैन के बारे में तो मैंने आपको बताया लेकिन यही हाल हुआ और भी कई नाजियों का और यह हाल किया गया इसराइल के द्वारा। स्पेसिफिकली बताऊं तो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा। 1948 में इसराइल एक देश बना और उसके बाद उसने यहूदियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों का बदला लेना शुरू किया। सोच कर देखिए कि इसराइल ने कई साल लगा दिए थे अपने एक अपराधी को पकड़ने के लिए। वो इसराइल की पहली फांसी थी। फिर 70 के दशक में मोसाद ने 9 और नाजियों की लिस्ट बनाई उन्हें पकड़ने के लिए। टाइम बीता गया और धीरे धीरे दोस्तों ये मुहिम भी कमजोर पड़ गई लेकिन मोसाद रुका नहीं। दशकों तक कई नाजी या तो नेचुरल मौत मारे गए या फिर कैद में रहते हुए उनकी मौत हो गई। खुद जर्मनी ने भी नाजियों पर मुकदमा चलाया और यूरोप और अमेरिका से डिपोर्ट कराकर सभी नाजियों को सजा दी गई। आखिर में दोस्तों जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई तो न्याय देने का ये सिलसिला ठंडा पड़ता चला गया। लेकिन वो कहते हैं ना, न्याय की उम्र की कोई सीमा नहीं होती, वो जब मिलना होता है तो वो मिल जाता है और मिलकर ही रहता है। ऐसा ही हुआ था एक और नाजी के केस में जिसका नाम था जैकिव पॉलिच। ये हिटलर के दौर में जो जबरन मजदूर थे उनके कैंप की देखरेख करते थे और इनके सामने एक दिन में 6000 यहूदियों की सामूहिक हत्या हुई थी। जब इन्हें पकड़ा गया तो इन्होंने झूठ बोला और ये यूएसए में रहने लगे। 1993 तक वो चुपचाप रह रहे थे लेकिन फिर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को उनके बारे में पता चला। उन्होंने जैकिव को ट्रैक किया और जब पूछताछ की गई तो जैकिव ने अपना गुनाह भी कबूल कर दिया। अमेरिका ने तुरंत उनकी सिटीजनशिप को रद्द कर दिया और डिपोर्ट करने की तैयारी करने लगे। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन आ गई। कोई भी देश जैकिव को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन जैसे देशों ने भी इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। आखिर में मजबूरी में पॉलिव को न्यूयॉर्क के अपने अपार्टमेंट में रहने दिया गया लेकिन उनके खिलाफ इसी बात को लेकर कई प्रोटेस्ट किए गए। फाइनली आता है साल 2018 जब जर्मनी ने उन्हें अपने देश बुलाने के लिए एग्री कर दिया। इस टाइम पर जैकिव की उम्र थी 95 साल और इस तरह अमेरिका से डिपोर्ट होने वाले जैकिव सबसे बुजुर्ग आदमी बन गए। हालांकि दोस्तों 3 महीने के अंदर ही उनकी मौत हो गई जब वो जर्मनी में थे। इस तरह दोस्तों एक बड़े पैमाने पर नाजियों के ऊपर मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी गई और मोसाद ने भी अपने देश के अपराधियों को पकड़ने के लिए जी जान लगाकर कोशिश की। आज के टाइम पर शायद ही दुनिया में कोई भी हिटलर के वक्त का नाजी अभी बचा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।